इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी ICCT की हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट से पता चला है कि 2015 में वाहनों द्वारा प्रदूषण से 385,000 लोगों की मौत हुई। और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इनमें से 74,000 लोग सिर्फ भारत में ही मरे हैं। साल 2015 में पूरी दुनिया में किसी भी तरह के प्रदूषक विसर्जन से होने वाली मौतों की संख्या तकरीबन 34 लाख आंकी गई है, जिसमें से 8 लाख PM2.5 और ओजोन के कारण और 385,000 ट्रांसपोर्ट इमिशन से हुई। वाहनों के प्रदूषण द्वारा हुई इन मौतों में भी 47% डीजल व्हीकल्स की वजह से हुई। 2010 में ट्रांसपोर्टेशन इमिशन की वजह से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 361,000 थी, जो 2015 में बढ़कर 385,000 हो गई। स्टडी से ये बात सामने आई है कि 70% केसेस सिर्फ 4 बड़े वाहन बाजार देशों के थे, जिनमें चाइना, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इंडिया शामिल थे, लेकिन आंकड़े थोड़े अलग थे। 2010 से 2015 के बीच वाहनों द्वारा मौतों में यूरोपियन यूनियन में 14% और अमेरिका में 16% तक की कमी आई, लेकिन वहीं भारत और चीन में 26% तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसके लिए बड़ा कारण रहा फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड और नए व्हीकल इमिशन नॉर्म्स, जो हमने देर से लागू करने शुरू किए हैं, और दिन ब दिन सड़कों पर बढ़ते वाहन, जिनमें डीजल व्हीकल्स ज्यादा जिम्मेदार हैं। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।